हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं शिमला मिर्च आलू की सूखी सब्जी बनाकर बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाकर बताऊंगी, जिनको मैंने कट करके रख लिया है। 2 बड़ा आलू लिए थे, 4 शिमला मिर्च ली थी, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्जी में डालने के लिए मसाले रेडी कर कर रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, धनिया ली है, ये मिर्च ली है, नमक लिया है, गरम मसाला है, ये यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, जीरा, हींग, और ये मैंने 2 बड़े टमाटर काट कर रख लिए हैं, ये प्याज और लहसुन छोटी छोटी कट करके रख लिए हैं। सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब मैंने इसमें जो खड़े मसाले लिए थे इनको डाल दूंगी। आप चाहें तो इन सब खड़े मसालों को हल्का सा भून के, इनको पीस के, मसाला आप सूखा भी डाल सकते हैं। मैं इनको ऐसे ही डाल रही हूँ। सभी मसाले हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें प्याज लहसुन डाल रही हूँ। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून। अब मैं इसमें कर रही हूँ आलू ऐड। आलू को मैंने अच्छे से चला दिया है। हल्दी में हमारे आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। इससे होता ही है, हल्दी पहले डालने से हमारे आलूओं का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है और आलू हमारे पक भी जल्दी जाते हैं। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। नमक हमारा मिक्स हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इनको 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गया है। अब हम आलूओं को चेक कर लेंगे। टमाटर को ऐड कर देना है। शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फिर से डाल दूंगी। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च हल्की हल्की जल रही है। इसको मैं चेक करके दिखा रही हूँ। शिमला मिर्च हमारी जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको अभी तो बाद में डालना चाहिए। अगर आप पहले डाल दोगे इसको तो भूल जाएगी। जब भी आप सूखी सब्जी बनाओ तो उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, खाने में एकदम फीकी लगती है। इसमें मैंने जो टमाटर डाला था उसने जो पानी छोड़ा था उसके पानी से ही मेरी सब्जी जली नहीं है और पक भी जल्दी नहीं है। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए और ढक दूंगी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। सब्जी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गया है। हम इसको चला देंगे। शिमला मिर्च हमारी जल्दी पक जाती है। मैं इसमें 2 स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून
लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, इन तीनों को सब्जी में मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा मसाला सब्जी में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। ये देखिए, मसालों को बाद में ऐड करने से हमारी सब्जी एकदम ड्राई बनती है। देख सकते हैं हमारी सब्जी एकदम ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारी सब्जी बनकर रेडी है, इसको सर्व कर सकते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।